आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ्रंट लोड का जो पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट को आप कैसे फील्ड में चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारा फ्रंट लोड का टोटल पार्ट्स है विद जी, तो फ्रंट लोड में बेसिकली क्या क्या पार्ट रहता है। फर्स्ट मतलब पावर सप्लाई आता है फिल्टर में, वो फिल्टर अभी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सप्लाई आएगा पीसीबी में, ठीक है, और आपका ये आपका डोर लॉक मेन पीसीबी है। ये हमारा हीटर है, हीटर के साथ ये हीटर का सेंसर है। ये अपना प्रेशर स्विच है, ये हमारा दो इनलेट वाल्व है जिसको अलग अलग सप्लाई है। ये हमारा ड्राइवर पीसीबी है, ये ड्रेन पंप है, और ये हमारा बीएलडीसी मोटर है, और ये मेन पीसीबी है। तो जहाँ पे आपका डीसी मोटर होगा वहाँ पे हमेशा डीसी मोटर के साथ एक ड्राइवर पीसीबी भी होगा। जहाँ पे हमारा जो कन्वेंशनल एसी मोटर होगा तो वहाँ पे आपको ये डीसी जो ड्राइवर पीसीबी है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि हर पार्ट आप कैसे चेक करेंगे फील्ड में, मतलब कौन सा पार्ट सही है ख़राब है आप कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारा ये अगर इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व को कैसे चेक करेंगे, हम रेजिस्टेंस में चेक करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो इनलेट वाल्व है, ये हमारा इंजेक्टिव वाल्व है, ये नॉर्मल वाल्व है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा के में आएगा, मतलब किलो ओम्स में। तो अगर हम इसको 20 के में रखेंगे तो रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसका 4.5 के करीब इसका रेजिस्टेंस आएगा, 4.7 देखा। लेकिन जो एनजेपी वाल्व है इसका जो रेजिस्टेंस है उसका आपका मेगा ओम्स में आएगा। तो इसमें मेगा ओम्स डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मेगा ओम्स डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते वहाँ पे आपका यहाँ पे एक एक्सटेंशन कोड दिया होगा, तो उस हिसाब से आप उसको चेक करेंगे। तो अगर हम इसको मेगा में चेक करेंगे तो फोर्टीन के करीब आपका आएगा ये मेगा ओम्स में, ठीक है। इसका मतलब मेरा दोनों वाल्व सही है, या आप डायरेक्टली इसको 220 सप्लाई देखे भी चेक कर सकते हैं कि मेरा आपका इनलेट वाल्व सही है या नहीं है, या आप सीरीज कनेक्शन देखे भी, मतलब 120 सप्लाई देखे भी आप चेक कर सकते हैं आपका इनलेट वाल्व सही है या खराब है। अब ये आपका हीटर, हीटर को हम रेजिस्टेंस से चेक करेंगे, लेकिन हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 30 से लेकर 35 के बीच में होता है। तो उसको हम पहले 200 ओम्स में लाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कितना हो गया, 30 के करीब हो गया। और ये हो गया आपका हीटर का सेंसर। तो जनरली हीटर और सेंसर दोनों एक साथ आता है, तो सेंसर को अगर हम यहाँ से चेक करेंगे, सेंसर का जो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आपका हीटर आपका आएगा ओम्स में, लेकिन सेंसर आएगा आपका किलो ओम्स में। फिर दोबारा हमको इसको किलो में रखना पड़ेगा। लगभग 4.5 किलो ओम्स के करीब आपका इसका रेजिस्टेंस आएगा। अगर ये ओम्स यहाँ पे नहीं दिखाएगा रेजिस्टेंस, इसका मतलब मेरा सेंसर खराब हो गया। उसके बाद आ गया आपका ड्रेन पंप, इसका भी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है ये लगभग 170 से लेकर 200 के करीब दिखाता है ओम्स में। तो इसको दोबारा हम 200 में रख के देख सकते हैं, या अगर 200 में नहीं होगा तो फिर हम के में जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 170 है, 168 170 का भी किसी में आपको थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, आप 200 के करीब भी मिल सकते हैं। आपका डीसी, ये आपका डीसी मोटर है, जैसे डीसी मोटर है इसका तीनों का रेजिस्टेंस आपको सेम आएगा, ठीक है। अगर एसी मोटर होता तो अलग होता, लेकिन डीसी मोटर में हम जानते हैं कि तीनों का रेजिस्टेंस हमेशा बराबर आता है। और ये आपका ओम्स में आया, तो इसको भी हम ओम्स में रख के चेक करेंगे। तो इसका तीनों का जो ओम्स रेजिस्टेंस है वो आपको तीनों में आपको बराबर आना चाहिए। उसके बाद ये रह गया आपका डोर लॉक, ठीक है। डोर लॉक में हमेशा तीन तर रहते हैं, तो यहाँ पे आइदर आपको 1, 2, 3 मिलेगा, या न्यूट्रल लाइन कॉमन बोल के NLC बोल के मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमको देखना है कि डोर लॉक जो है, डोर लॉक में आपका कौन सा ब्लू वायर है, कौन सा ब्राउन वायर है, कौन सा रेड वायर है। ब्लू वायर जो है वो हमेशा आपका न्यूट्रल होगा। यहाँ पे जो तीन है, तीन के साथ न्यूट्रल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब तीन नंबर जो पिन है वो मेरा न्यूट्रल है। दो नंबर जो है वो ब्राउन है, मतलब ये मेरा सप्लाई लाइन है। रेड जो है ये एनो पॉइंट है, मतलब जब डोर मेरा लॉक होगा और सप्लाई भी आएगा तो लाइन यहाँ से बाईपास होगा।
तो ये दोनों के बीच में मेरा कॉइल है, दो और तीन के बीच में। अगर दो और तीन के बीच में मैं रेजिस्टेंस चेक करूँगा तो मेरे को एक रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 180-190 के करीब, ठीक है। लेकिन डोर लॉक अगर मान लो अंदर से कॉइल ख़राब हो गया, कॉइल जल गया, तो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे कॉइल शॉर्ट दिखाएगा। इसको भी अगर हम ओम्स में चेक करेंगे तो ये जो तीन नंबर पिन है और दो नंबर, जैसे बोला कि दोनों के बीच में कॉयल है, तो यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये कॉयल ओपन हो जाता है अंदर से तो आपको ऐसा मापने पर भी आपको कुछ नहीं मिलता, वन दिखाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट हो जाता तो ज़ीरो आ जाता, ठीक है। अभी ये कॉयल ठीक है, इसीलिए 192 इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी एक नंबर जो पिन है, इसके साथ इन नॉर्मल ओपन कंडीशन में कोई आपका रेजिस्टेंस या कुछ यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन अब ये दिखा रहा है क्योंकि ये जो डोर लॉक है, डोर लॉक अभी यहाँ से लॉक है, इसीलिए ये दिखा रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो डोर लॉक का आपका तीन नंबर के साथ एक नंबर का और दो नंबर के साथ एक नंबर का नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अभी डोर लॉक क्या है, अंदर से शॉर्ट है, इसीलिए डोर लॉक में आपको दो के साथ भी ये आपका कॉन्टिन्यूटी दिखा दे रहा है, ठीक है। और तीन के साथ भी इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है क्योंकि डोर अभी लॉक कंडीशन में है, ठीक है, तो इसलिए दिखा रहा है। अगर डोर लॉक आपका सही होता, मतलब नॉर्मल कंडीशन में होता, तो दो और तीन के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिलता और तीन के साथ एक का या दो के साथ एक का कोई कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। जनरली क्या होता है कि जैसे डोर लॉक में हमारा सप्लाई पीसीबी से जब आता है, न्यूट्रल और सप्लाई आता है, उसके बाद यहाँ पे जो कॉयल होता है, कॉयल ऑन हो जाता है। उसके बाद जैसे हम डोर को लॉक करते हैं तो क्या होता है, अंदर से ये जो सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई बाईपास यहाँ से बैक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब लॉक कंडीशन में आपको दो और एक के बीच में आपको कॉन्टिन्यूटी मिलेगा, लेकिन ऑन नॉर्मल ओपन कंडीशन में इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से आप डोर लॉक चेक कर सकते हैं। और ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी है, तो डिस्प्ले पीसीबी डायरेक्ट हमारा पीसीबी से, डिस्प्ले पीसीबी पीसीबी से सप्लाई आता है। ये जो हमारा मॉडल है HW70B1266NZP, ठीक है, जो BLDC मॉडल है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो CN10 और CN11 कनेक्टर है, दोनों दिखने में सेम है, ठीक है। और एक गया CN11 जो है ये डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है और CN10 जो है ये आपका ड्राइवर डिस्क के साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों कभी भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं CN10 को चेक करूँ यहाँ से, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब CN10 मेरा ड्राइवर पीसीबी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और CN11 जो, लेकिन ये जो जैक जो है वो कभी भी इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। और CN11 जो है ये आपका डायरेक्टली पीसीबी के साथ कनेक्टेड है। तो कभी भी आपको गलती से कुछ हो गया, आपको लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, ठीक है। तो ये डिस्प्ले पीसीबी जो है 12 वोल्ट से काम करता है, ठीक है। तो मेन पीसीबी डिस्प्ले पीसीबी को फर्स्ट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई करता है और ये आपका डायरेक्ट ये पीसा स्विच का सप्लाई है। तो इसमें भी तीन तार है आपका, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। जनरली रेड और ब्लैक में आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, जो प्रेशर स्विच स्विच को डायरेक्ट जा रहा है। और यहाँ पे रेड में और ब्लैक में आपको 12 वोल्ट मिलेगा डीसी, और ब्लैक के साथ ब्लू का भी आपका जो फीडबैक सप्लाई है वो भी 12 वोल्ट या उससे कम, वो वेरिएशन होता है वोल्टेज, वहाँ पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा। ये जो मेरा मेन पीसीबी है, फर्स्ट सप्लाई मेरा यहाँ पे आता है,
और यहाँ पे न्यूट्रल आता है। उसके बाद ये जो दो सप्लाई और न्यूट्रल है ये आपका जाता है डायरेक्ट आपका हीटर पे, ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई न्यूट्रल ये आपका डायरेक्ट डोर लॉक से कनेक्टेड है, जो डोर लॉक में आपका तीन तार है रेड ब्राउन ब्लू, यहाँ भी आपका रेड ब्राउन ब्लू है, मतलब ये डायरेक्टली डोर लॉक से सप्लाई है। उसके बाद ये जो आपका सप्लाई है ये आपका ड्राइवर पीसीबी का सप्लाई है, जो ड्राइवर पीसीबी को सप्लाई दे रहा है, मतलब मेन पीसीबी से मेरे को ड्राइवर पीसीबी को सप्लाई दे रहा है। उसके बाद ये जो दो तार, दो रेड है एक ब्लू है, ये मेरा इनलेट वाल्व का सप्लाई है, मतलब यहाँ से दो सप्लाई मेरा दो इनलेट वाल्व को जा रहा है और ये न्यूट्रल जा रहा है। उसके बाद ये जो सप्लाई है ये डायरेक्ट ड्रेन पंप को जा रहा है, और यहाँ पे जो दो रेड तार है ये आपका जो हमारा हीटर सेंसर है उसको ये सप्लाई यहाँ से जा रहा है, ठीक है। सो फील्ड में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको प्रॉपरली चेक करना कि कहाँ से सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही तो डायरेक्ट पीसीबी से आप चेक करें कि वहाँ से पीसीबी को वो सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप वोल्टेज देके भी चेक करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे सप्लाई आ रही है, हम क्या करेंगे यहाँ से डीसी में देंगे और ये जो ब्लैक और रेड है दोनों में मेरे को डीसी 12 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए, तो डीसी 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और ब्लू के साथ ब्लैक का भी आपका सप्लाई आएगा जो फीडबैक सप्लाई है, ठीक है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी फील्ड में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे हम यहाँ पे फ्रीली देख रहे हैं उस कंडीशन में मेरे को लूज कॉन्टैक्ट की वजह से सप्लाई नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कभी कभी फील्ड में भी सेम इसी प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि पीसीबी चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले पीसीबी चेंज कर देते हैं या कोई भी पार्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमको लगा कि यहाँ पे मेरे को 12 वोल्ट आ गया, दैट मीन्स सप्लाई यहाँ तक आ रहा है फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रहा, दैट मीन्स प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम मेरा जैक ठीक ठाक कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फील्ड में भी आपको सेम इसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका ये जो CN10 है डायरेक्ट आपको उसको सप्लाई देते हैं, किसको सप्लाई देते हैं, ड्राइवर पीसीबी को, तो वहाँ पे भी हम डायरेक्ट सप्लाई चेक कर सकते हैं कि सप्लाई मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो ब्लैक मेरा कॉमन है ग्राउंड है उसके साथ मैं रेड का सप्लाई चेक करूँ, वो भी आपका 11 वोल्ट सप्लाई आएगा और उसके साथ ब्लू का भी आपका सप्लाई आएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लू में जो सप्लाई ये कम है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले में जो सप्लाई जा रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वेरिएशन हो रहा है, तो इसीलिए आपको ये सप्लाई इंटरचेंज नहीं करना चाहिए, कभी इंटरचेंज होने से कुछ प्रॉब्लम आपका आ सकता है। आप मोटर का भी सप्लाई कभी चेंज अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्पिन में देने के बाद ऑन करेंगे तो जैसे ड्रेन पंप में मेरा सप्लाई आ रहा है, तो मेरे को अभी एसी में चेक करना है।
220 सब पे आएगा। उसके बाद मेरा जो मीटर है इसको अगर मैं इसी पे रखे न्यूट्रल के साथ यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँ तो यहाँ पर भी मेरे को सप्लाई आएगा। एक तार मेरे को न्यूट्रल में रखना है और दूसरा तार मोटर का जो सप्लाई है वहाँ पर मेरे को चेक करना। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों में फेज आता है। जैसे ये BLDC मोटर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स तीनों मैग्नेट रहता है और वहाँ पे रोटर में जो कॉयल रहता है 6 कॉयल रहता है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। ठीक है, तो बराबर कंटिन्यू रोटेटिंग प्रोसेस से इसमें तीनों में सप्लाई आता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से उसमें क्या होता है कि उसका जो मोटर है कंटिन्यू रोटेट करता है। तो आप डायरेक्ट मोटर को भी चेक कर सकते हैं इसे। या अगर आप चेक करें आपका मान लीजिए प्रेशर स्विच का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रेशर स्विच को सप्लाई जा रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जो प्रेशर स्विच का बेसिकली एरर है, ठीक है, उस कंडीशन में हम चेक करेंगे यहाँ पे मेरा प्रेशर स्विच को सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो प्रेशर स्विच में मेरा मैंने बोला था कि DC सप्लाई जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है, तो हम DC में जाके यहाँ पे चेक करेंगे। जो ब्लैक है, ब्लैक वायर में ग्राउंड एयर है, उसके साथ रेड का आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक के साथ रेड का 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा डिस्प्ले जो है वो प्रेशर स्विच को सप्लाई दे रहा है। तो आइदर मेरा इस जैक में भी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, सल्फर आ गया जिसके चलते एफएरआर आएगा, या ऐसा भी हो सकता है पीसीबी के यहाँ पे जो पीसीबी है उसके अंदर भी यहाँ पे सल्फर आ जाता है तो उसके चलते भी आपका प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में मेरे को चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज PCB और प्रेशर स्विच। ठीक से कनेक्ट नहीं हो तो मेरे को ये ठीक से फिर कनेक्ट करना। तो बेसिकली मेरा कहना वही कि मतलब कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है मैंने कनेक्शन ठीक से नहीं किया, मतलब फील्ड में भी ऐसा हो सकता है कि जैक थोड़ा सा दूर है तो उसके चलते आपका प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट को चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा पार्ट जैसे चेक करना है, साथ ही साथ आपका कनेक्टिविटी मतलब PCB से लेके जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी है, जैसे डिस्प्ले से लेके मेरा इस PCB यहाँ तक कनेक्टिविटी है, इस डिस्प्ले से लेके मेरा मेन PCB में कनेक्टिविटी है, मेरा मेन PCB से ड्राइवर PCB में कनेक्टिविटी है, मेरा मेन PCB से लेके ड्रेन पंप में कनेक्टिविटी है, मेरा मेन PCB से लेके इनलेट वाल्व में कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी भी आपको प्रॉपरली चेक करना है कि कनेक्टिविटी में कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा तो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, उस केस में आप जितना भी पार्ट चेंज कर लो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा।
ओके थैंक यू।